आज मैं आपको एक ऐसे साइबर ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि साइबर वर्ल्ड में आज तक का सबसे मिस्टीरियस ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की चपेट में लाखों करोड़ों लोग आए और फंसे, लेकिन हैरानी की बात ये कि वो लोग सालों से इस ऑपरेशन से अनजान थे और उन्हें ये पता भी नहीं चला कि इस ऑपरेशन के थ्रू उनके साथ क्या क्या हुआ। इस ऑपरेशन का नाम है घोस्ट नेट। इसको ऐसे समझिए कि ये ऑपरेशन डिजिटली स्पाई करने का एक ग्रुप बना रहा था जो कि इंटरनेट के अंधेरे में छुपा हुआ था। ये डिजिटल स्पाई कोई आम नहीं थे, इनका एक बहुत ही स्पेशल मिशन था जो ताकि दुनिया भर के कंप्यूटर और नेटवर्क में घुसपैठ करना और उन कंप्यूटर में से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराना। ये घोस्टनेट के स्पाइस एक बहुत ही ट्रिकी तरीका यूज करते थे जिससे कि ये अपने काम को अंजाम दे पाए। ये स्पाइस टारगेट विक्टिम के पास एक ईमेल सेंड करते थे जिसमें की एक अटैचमेंट लिंक होती थी, और जैसे ही कोई टारगेट उस अटैचमेंट को खोलने के लिए उस पर क्लिक करता था वैसे ही उसका पूरा पीसी उन घोस्टनेट स्पाइस या यूं कहे तो उन ब्लैक हैट हैकर्स के कंट्रोल में चला आता था और विक्टिम को इसकी कोई भनक भी नहीं लगती थी। घोस्टनेट के ये डिजिटल स्पाई एक कंट्री में ही नहीं रुके, इन्होंने इस ऑपरेशन को इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया जिसमें करीब 100 से भी ज्यादा कंट्रीज शामिल थे। अब इन 100 कंट्रीज से इनको कितने विक्टिम मिले होंगे आप खुद ही सोच लो। ऐसे समझो कि अगर आपके पास ईमेल आता और आपने उस ईमेल पे क्लिक किया होता तो आपका पूरा कंप्यूटर उन स्पाइस के कंट्रोल में आ जाता और अब वो चाहे तो आपके डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और बाकी फाइल्स को भी देख सकते थे, यहाँ तक कि वो वेबकैम को ऑन ऑफ करके आप पे नजर भी रख सकते थे। और ये सब कुछ कंप्यूटर ओनर को पता चले बिना ही हो रहा था। कई सालों तक ये अननोटिस्ड रहा, लोगों को ये पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। लेकिन तभी एक दिन एक इन्वेस्टिगेटर की नजर इस ऑपरेशन पर पड़ जाती है और वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना शुरू करता है। जब ये राज खुला तो लोग जानना चाहते थे कि इस ऑपरेशन के पीछे कौन है। कुछ को लगा कि ये किसी गवर्नमेंट का काम है तो कुछ को ये लगा कि ये किसी हैकिंग ग्रुप का काम है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये लग रहा था कि इस ऑपरेशन में गवर्नमेंट और हैकर ग्रुप दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन ये प्रोफेशनली किसका काम था? इसकी जिम्मेदारी ना तो किसी भी हैकिंग ग्रुप ने ली और ना ही किसी गवर्नमेंट ने, और इसीलिए घोस्टनेट की स्टोरी साइबर वर्ल्ड में छिपे जासूसों की कहानी है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों से कई रहस्य और जानकारी इकट्ठी करते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे के बॉटनेट अटैक में। ये जानने के लिए आप टॉप वाली वीडियो को जरूर देखना।